गाइस आप लोग कौन सी मूवी देखकर आ रहे हो? बैड न्यूज। कैसी लगी मूवी? अच्छी नहीं, मतलब सही थी, कॉमेडी थी, रोम कॉम टाइप की मान लो। आपको कैसी लगी मूवी? कॉन्सेप्ट पुराना, मतलब कि वो चल, चल, नया कॉन्सेप्ट है भाई। अबे चलता हुआ आ रहा है पहले से, मतलब भाई वो ये तो नया था ना, दोनों एपिसोड हो गया। अबे तो मतलब पहले भी तो बनी हुई है? नहीं बनी हो, गुड न्यूज बनी है भाई। गुड न्यूज तो वो अलग था ना, वो बाप उस टाइप था, मतलब वो ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें दोनों का एक अच्छा होता है, दोनों का एक बच्चा होता है, मतलब तू गलत मूवी देख के आया? नहीं भाई वही है, और क्या, दोनों का बच्चा होता मतलब वही तो है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है सब। मजा आया मूवी देख के? हाँ मजा तो आएगा ही, और क्यों आएगा, मतलब ओके ओके थी कॉमेडी मूवी, ठीक ठीक तो आएगा यार, ठीक ठीक। एक्टिंग कैसी लगी तृप्ति डिमरी की? वो एक्टिंग में कौन देखने गया था यार, उसके हॉटनेस में देखने गया। वो एक्टिंग कौन कौन देखने गया? उसके हॉटनेस में बाबी टू है भाई, बाबी टू है वो, उसलिए चक्कर में देखने चला गया। और विक्की कौशल की मतलब पर्सनालिटी अच्छी लगती है, विक्की कौशल की, विक्की कौशल की तो वो है ही भाई, डांस मूव भाई, लास्ट में डांस आया जो फेमस डांस वाला था आजकल, वो वही बढ़िया। और क्या सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग अच्छे सॉन्ग लग रही है, थोड़ा सॉन्ग अच्छे सही है, सही है सॉन्ग। तो तृप्ति की हॉटनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है, अच्छी लगती है देखने में, देखने में अच्छी लगती, अच्छी लगती है, अच्छा हॉट है। पैसा वसूल मूवी थी? पैसा वसूल नहीं, पैसा ठीक ही लगी, मतलब दिग्गी तो इससे बड़े मूवी है, वन टाइम वॉच है, बस वन टाइम वॉच है, उसका दोबारा नहीं देखेंगे। अगर रेटिंग देंगे 5 में से? 3.5 एक्स्ट्रा डिमरी के लिए, 4.5। अच्छी मूवी है, इट्स वेरी गुड, स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, एंड ओवरऑल केमिस्ट्री जो है स्टार्स के बीच में इट्स गुड। विक्की कौशल के बारे में कुछ क्या कहना? विक्की कौशल इज ऑलवेज गुड, और मैं तो कहूँगी कटरीना से शादी करने के बाद और ज़्यादा गुड हो गए हैं, तो इसमें केमिस्ट्री उनकी काफ़ी अच्छी थी, एक्टिंग तो हमेशा से ही उनकी अच्छी रहती है, एंड उनका जो स्टाइल था, डांसिंग स्टाइल था, पंजाबी सॉन्ग और विक्की कौशल का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज गुड। तृप्ति के बारे में क्या कहेंगे, एनिमल के बाद अब कैसी लग रही है? एनिमल में उनका लेवल बहुत ऊपर था, एंड अभी के टाइम में मुझे थोड़ा कम लगा उनका लेवल, क्योंकि एनिमल में हमने उनको काफ़ी अच्छा अज्यूम कर चुके थे, और इसमें मुझे थोड़ा सा डाउन लगा, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेशन कितनी थी? एक्सपेक्टेशंस नहीं, थोड़ी सी हाई थी, और वो चीज़ थोड़ी सी लो दिखी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। आउट ऑफ 5 कितने थी? 4.5, इट्स गुड वन, बहुत अच्छी। विक्की कौशल के बारे में क्या? विक्की कौशल तो मतलब माइंड ब्लोइंग, काफ़ी अच्छा। तृप्ति? तृप्ति अच्छी, तृप्ति की एक्टिंग मतलब उसकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, उसको कॉमेडी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन कितनी थी मूवी से? काफ़ी ज़्यादा। उतनी मिली नहीं, काफ़ी मतलब 10 में से तो 8 है, मतलब इतना ही है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी तृप्ति को, कॉमेडी उसकी बेटर नहीं है, बट विक्की और एमी तो करते ही है कॉमेडी, तो मतलब उनकी काफ़ी अच्छी। यानी तृप्ति का काम इतना पसंद नहीं है? नहीं, जैसे उसने एनिमल में किया था तो लोगों को ये था कि इसमें भी अच्छा करेगी, बट नहीं, थोड़ा सा लोग इससे वो हो जाएंगे कि नहीं तृप्ति की एक्टिंग थोड़ी सी बोरिंग तो नहीं है मूवी? नहीं नहीं बोरिंग नहीं है, बट फैमिली के साथ नहीं देखने वाली है, फैमिली के साथ नहीं जाओ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ। तो कहते फैमिली मूवी है, विक्की ने भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं ऐसी मूवीज तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते ना। आउट ऑफ 5? 4। अच्छा गाने कैसे हैं? गाने अच्छे हैं काफी, मतलब तोबा तोबा देख लो विक्की का। बैड न्यूज बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज दे गई अंदर, मजा तो बहुत आया फिल्म में। इनफैक्ट यू नो जितना मैंने सुना मेरे दूसरे दोस्तों से, उसमें लड़कों को कम पसंद आ रही है, लड़कियों को ज्यादा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द होल लॉजिक, आई थिंक व्हेन यू गाइस विल वॉच इट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि लड़कों को कितनी पसंद आई और लड़कियों को कितनी, सो दैट ये चैनल जो है बाद में परसेंटेज निकाल लेगा। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट द फिल्म इज रियली नाइस, आई फील अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर यू कैन से। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो पसंद आया, मार धाड़ देखते हैं, बहुत हम दिमाग लगा रहे हैं आजकल, ये तो एकदम ही इलॉजिकल सिचुएशन थी, अनबिलीवेबल सिचुएशन एंड इंस्टेंसेस थे, तो इस पर लॉजिक लगाने की बात तो बनती नहीं है, बिकॉज ऐसा केस जो है फिल्म में भी बताया गया है कि इंडिया में तो पहली बार है, चाइना में एक बार हुआ है, तो आपने तो क्या ही सुना होगा। तो एक्सपेक्टेशन अगर आपकी बहुत हाई है तो वैसी नहीं होनी चाहिए, आई फील एक लाइटर मोड पे जाइए और जो दिख रहा है उसमें खुश हो जाइए। एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो एमी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज मुझे ओवर एक्टिंग नहीं लगी, यूजुअली यू नो व्हाट गाइज विद टर्बन डू अ लॉट, वैसी कुछ नहीं था कि बहुत फनी या कॉमेडी बताना है, वैसे नहीं था, ही वॉज वेरी गुड, लाइक यू नो स्क्रिप्ट का जो रिक्वायरमेंट था ही फुलफिल। विक्की कौशल की बात करें तो यार उसमें तेरा तौबा, क्योंकि वो तो मतलब क्रेजी है, लिटरली क्रेजी, उनके पंचेस, उनके बात करने का तरीका, ही इज सो नेचुरल। तृप्ति डिमरी
एनिमल के बाद से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फेम मिल गई है, उस फेम का उन्होंने सही इस्तेमाल किया, बिकॉज मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि यार तृप्ति नहीं होनी चाहिए थी, कोई और होना चाहिए था, मतलब शी डिड फेयर। उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिली, आई थिंक लड़कों के कंधों पर ज़्यादा भार था, बिकॉज उन्हें ज़्यादा कॉमेडी करनी थी, उन्हें ज़्यादा अपीलिंग एक्टिंग करनी थी, बट कृति विथ हॉट कृतिका तृप्ति विथ हॉटनेस इज अमेजिंग। जी 3.5 एक्चुअली देना तो मुझे 4 है, बट देन उन लड़कों के लिए सोच के